वेलकम टू आवर चैनल लाइव एंड ट्रेडिंग। एंड कल के लिए अपने पास चार स्टॉक है जिन चार स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे है पीडी लाइट, बट निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी में ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है और पॉजिटिव ट्रेड लेना बहुत रिस्की है। बट फिर भी पीडी लाइट और डाबर ये दो पॉजिटिव ट्रेड हम लोग लेंगे और एम्फिसिस एंड टाटा मोटर्स नेगेटिव ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी अभी भी नीचे गिरेगा, निफ्टी का गिरना ख़त्म नहीं हुआ, निफ्टी में अभी भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, थोड़ा अभी एक झटका में नीचे ना गिरे, थोड़ा कंसोलिडेट करे उसके बाद नीचे गिरे, तो मतलब कल हम लोग पॉजिटिव ट्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज़। और पीडी लाइट को अगर आप देखेंगे सही से तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया ये, और इस रेंज में ये ट्रेड करा था। एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, ये रेस्पेक्ट दे रहा था अपना ट्रेड लाइन को, और ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया और वॉल्यूम यहाँ का देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही ये ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेडिंग होने लगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट बड़ा पाना है, तो 2400 का अपना स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। इनकेस मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है और 2400 के नीचे अगर गिर जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। अपना एंट्री पॉइंट पहले ही हो चुका है 2439, अपना ये बाई प्राइस है, और 2400 का स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2575। और फर्स्ट टारगेट से पहले एक चीज़ और हम लोग देखेंगे लाइन चार्ट में करने से, कि पहले ही ट्रेंड नेगेटिव है तो हम लोग ज़्यादा बड़ा टारगेट का उम्मीद ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेने का। तो ये जो प्रीवियस हाई है, इस हाई पे मीन्स 2490, यहाँ पे हम लोग 90% बुक कर लेंगे विदाउट रिक्स। हम लोग को लेना नहीं है कल पॉजिटिव ट्रेड में, खास करके ट्रेड में रिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेंड के साथ चलना, और ट्रेंड नेगेटिव है, कहीं ना कहीं अगर वो पलटी खाएगा तो इसमें भी इफेक्ट आएगा, बट इसमें इफेक्ट नहीं आएगा पीडी लाइट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि पहले से एक बुलिश ट्रेड में है। सेकेंड नंबर पर है डाबर, और डाबर को अगर देखेंगे तो डाबर में सबसे पहला चीज़ हम ये बताएंगे कि अभी कुछ दिन के अंदर में डाबर में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एक महीना के अंदर में, क्योंकि एक इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद ये एक बुलिश रैली देने के लिए तैयार है, और ये कहीं ना कहीं ये एंट्री पॉइंट है एक बुलिश रैली का, जिसका टारगेट आपको 640 तक मिल सकता है, मीन 640 तक अदि आपका डाबर ऊपर जा सकता है आने वाला कुछ दिन के अंदर, एक महीना या दो महीना के अंदर यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो ये बुलिश रैली के लिए तैयार है, तो आप लोग चाहे तो इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, यानी कि होल्डिंग पे एक महीना दो महीना के लिए इसको ले सकते हैं, अच्छा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। अभी एंट्री पॉइंट में बहुत बेटर जगह पर है, स्टॉप लॉस छोटा सा लगेगा, टारगेट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। और इंट्राडे के लिए हम लोग यहाँ पर कल ट्रेड लेंगे 610 के ऊपर, मीन्स ये जो प्रीवियस हाई है इस हाई के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई कर लेंगे। तो 610 का अपना एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रख रहे हैं, ये जो लो है इस लो का हम लोग स्टॉप लॉस मानेंगे 606.75 अप्रॉक्स आप पकड़ के लिए अपना स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। इनकेस मार्केट ऊपर जाता है नीचे गिरेगा, स्टॉप लॉस सेट होगा, एग्जिट कर दीजिएगा, ट्रेड से लड़ाई नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना। टारगेट रहेगा 618, ये जरूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसके ऊपर मार्केट और जाएगा, बट अपना इंट्राडे पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देना। थर्ड नंबर पे है एम्फिसिस, और एम्फिसिस एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार है, एक रेसिस्टेंस जोन के पास में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, जहाँ से ये एक बार रिजेक्ट हुआ और कंटिन्यू वहाँ से फॉल देखने को मिला। तो ये एम्फिसिस का रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ से ये नीचे गिर जा रहा है, वापस यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, वापस से वहाँ पहुँचा और नीचे गिर गया। बट इस बार जो नीचे गिरा ना, एक ट्रेड लाइन हम लोगों को मिला, जो ट्रेड लाइन से ये रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रहा था। देखिए यहाँ से ट्रेड लाइन से रेस्पेक्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बट इस बार ये ट्रेड लाइन फेल हो गया और ब्रेकडाउन हो गया। और देखेंगे अगर आप सही से तो जैसे ही यहाँ ट्रेड लाइन के पास में कैंडल नीचे बनने का कोशिश किया, वहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया, देखिए सारा कैंडल यहीं पे बनने लगा, उसके बाद मार्केट एक डिसीजन लिया कि अब मार्केट यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो अपना एंट्री मिल चुका है, अपने को स्टॉप लॉस और टारगेट पर ध्यान देना है, यानी कि 3496 का अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, एंट्री पहले ही मिल चुका है। अगर ये आपको अपर साइड यहाँ पे कहीं ट्रेड लाइन के नीचे साइड में अगर गैप अप ओपन होकर मिले, या फिर नीचे से मार्केट ऊपर इस जगह तक जाए, तो आप बाई कर मतलब सेल कीजिएगा, 3413 के पास भी मिलेगा तो आराम से सेल कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ तक का रहेगा 3496। एंट्री पॉइंट पहले ही मिल चुका है, तो अब आपको ये स्टॉक कहाँ पर मिल रहा है ये आपके ऊपर है,
आपका स्टॉप लॉस पहला टारगेट रहेगा 3224 का और सेकंड टारगेट रहेगा 2859, यहाँ तक का टारगेट है। बट एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, दो दिन तीन दिन टाइम लग सकता है। फोर्थ नंबर स्टॉक है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स डाउनफॉल में जा रहा है। और यहाँ पे आप सही से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन जो था, इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए टाटा मोटर्स ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ से रेस्पेक्ट दिया ऊपर गया, यहाँ से वापस रेस्पेक्ट दिया मीन सपोर्ट जोन बनाया, यहाँ से ऊपर चला गया, वापस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया। बट इस बार यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसी जगह पे देखिए उसी ट्रेड लाइन को ये पूरे अच्छे से रेस्पेक्ट दिया, उसी ट्रेड लाइन से वापस नीचे गिरने के लिए तैयार है। अपना स्टॉप लॉस पॉइंट कंफर्म हो चुका है 514.85 जो है, ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। इनकेस मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो 514.85 के ऊपर जाए तो एग्जिट कर दीजिएगा। आपको जितना भी पैसा का लॉस हो उसके बारे में ना सोचते हुए आप छोटा लॉस में निकल जाइएगा, वरना ये ट्रेड अगर पॉजिटिव बदल गया तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो छोटा लॉस हमको लगता है ज़्यादा अच्छा होता है बड़ा लॉस से। 506 के नीचे जाए तो सेल कर दीजिएगा, और इसका टारगेट रहेगा 477 मीन्स 477 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में। तो ये चार स्टॉक का कल के लिए। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, एंड ओवर ट्रेडिंग स्किप कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी ट्रेडिंग कीजिएगा। सारा स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना, जिसमें ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए उसी में ट्रेड लीजिएगा। क्वांटिटी स्टॉप लॉस के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, ये नहीं कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी 2000 का है और आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लिए जिसके वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो लॉस 10000 चला गया, ऐसा नहीं करना है। थैंक यू।